नमस्कार नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स बारिश का मौसम चल रहा है खाना अगर फिर भी आपकी मनपसंद ना हो तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नींबू मिर्च का चटपटा सा स्वादिष्ट सा अचार जो बिना तेल के हम बनाएंगे और यकीनन अगर आपने ये अचार बनाया तो एक की बजाय चार रोटी तो आप ज़रूर खाएँगे तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं अचार को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्राम हरी मिर्चें और 250 ग्राम ही नींबू ले रही हूँ नींबू आप कोई से भी ले सकते हैं मैंने दोनों तरह के इसमें मिक्स लिए हैं थोड़े पीले हैं थोड़े हरे हैं कोई से भी ले लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी ये अचार जो है ना वो टेम्प्रेरी अचार है परमानेंट अचार नहीं है छिलका थोड़ा सा पतला अगर देख के लेंगे नींबू का तो अच्छा रहेगा क्योंकि इससे नींबू में रस बहुत अच्छे से निकलता है और कोई कीड़ा वीड़ा ना लगा हो बस देख के ले लीजिए थोड़ा सा सड़ावार नहीं भुना हो इसके अलावा हरी मिर्ची है जो मलेरियो ये मीडियम साइज की हरी मिर्चें हैं बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए बहुत पतली जो होती है ना वो बहुत तीखी होती है और बहुत मोटी जो होती है उसमें तेज़ी ही नहीं होती बिल्कुल भी ताचार खाने का मज़ा ही नहीं आएगा तो ये जो हरी मिर्चियाँ हैं ये बिल्कुल सही साइज़ की हैं सबसे पहले हम हरी मिर्चों को काटेंगे लेकिन उससे पहले हम हथेलियों पे थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे इससे आपके हाथों में मिर्ची नहीं लगेगी और हरी मिर्चें पहले काटिए नींबू बाद में ताकि अगर हाथ हरी मिर्ची में हो भी जाए तो नींबू की वजह से क्या होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और आपके हाथों में जो तेज़ी है ना हरी मिर्ची की जो तीखापन आता है वो साफ होता जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा निश्चिंत रहिए नींबू से अब ये देखिए हरी मिर्च को मैंने इस तरह से ऊपर का कैप हटा करके और लंबाई में चीरा लगा के और बीच में से काट दिया है बस इस तरह से केवल इस तरह से काटना है सिंपल तरीके से आप चाहें तो और छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं अगर आपको इस तरह के खाने में परेशानी आए तो आप छोटे टुकड़े कर लीजिए इसके और भी कैंची से भी काट सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है हाथों में तो मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि ये अचार टेम्प्ररी है ये परमानेंट अचार नहीं है तीन चार दिन के लिए आप इसको डालिए काम में लीजिए ख़त्म कीजिए और फिर से डाल लीजिए क्योंकि इसको डालने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है ये देखिए मैंने हरी मिर्चें सारी काट ली है आपको आपको सब कुछ बताते बताते अब क्या करना है इन हरी मिर्चों को हम इस तरह से करेंगे कुछ जिससे क्या है कि एक्स्ट्रा बीज जो है ना इसके वो थोड़े से झड़ जाएंगे नीचे और इकट्ठे हो जाएंगे वो भी इसलिए कि अगर आप बहुत तेज़ मिर्ची नहीं खाना पसंद करते हैं अब ऊपर ऊपर से हरी मिर्चें इस तरह से डाल देंगे हम एक कंटेनर में ग्लास बाउल में और उसके बाद ये देखिए नीचे रह जाएंगी इसके बीज बीज रह जाएंगे खाली जिनको हम हटा करके फेंक देंगे फिर और अगर आप चाहें तो ये साथ, साथ में इसमें रख सकते हैं बहुत अच्छे से स्पाइसी खाते हैं अगर आप अचार तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा बीज बच गए हैं ना नीचे इनको हम हटा करके और फेंक देंगे अब ये देखिए हरी मिर्चें तो कट चुकी हैं हमारी सारी अब साथ ही हम काटेंगे आप नींबू को अब जब नींबू काटेंगे ना तो इस तरह से काटेंगे कि इसके हमें आठ पीस बनाने हैं पहले एक बार आधा कर दीजिए और इसके चार पीस बना लीजिए बस इस तरह से आप चाहें तो चार भी बना सकते हैं इसमें कोई नियम नहीं होता है तो नींबू बाद में काटने से क्या होगा अब आप आपके हाथों की हरी मिर्ची की जो तेज़ी है ना वो सब खत्म हो जाएगी देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसके पीसेस काट लिए हैं ये जो अचार है ना इतना टेस्टी लगता है मैं बता नहीं सकती ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बारिश होते ही वो हर हफ्ते ये अचार डाल के रख देती है छोटी सी उसमें कांच के कंटेनर में छोटी सी बरनी में और हम खाना खाने खाते समय इसको ज़रूर खाते थे और इतनी रोटी खाए जाते थे एक के बाद एक के बाद कि मज़ा ही आ जाता था मम्मी की तो रोटियाँ कम पड़ जाती थी कैसरोल में उन्हें दोबारा बनानी पड़ती थी और जितने नींबू मैंने काटे ना फ्रेंड्स उतने ही नींबू का मैंने ये रस निचोड़ के निकाल के अलग कर लिया है लगभग ये एक कप के आसपास रस है तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे ये जो हमने अचार लिए इसमें कुछ मसाले डालेंगे एक चम्मच नमक डालेंगे नमक थोड़ा ज़्यादा डालना है आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा से मसाले पड़ते हैं अब ये देखिए कच्चा जीरा है बिना भुनावा जीरा है और इसको मिक्सी में चला लीजिए छोटे जार में इस तरह से कच्चे जीरे की इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है हुआ जीरा मत लीजिएगा मैं कह रही हूँ आप कच्चा लीजिएगा तो मैं ये एक चम्मच इसमें भुना जीरा डाल रही हूँ बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें ज़रा से मसाले पड़ते हैं अब एक चम्मच मैं डाल रही हूँ ये पीली सरसों या पीली राई ये ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है केवल नमक हल्दी और जीरे का ही बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है लेकिन अगर आप चाहें तो ये पोहे वाली जो राई होती है इसको पीस करके आप ये थोड़ा सा डाल सकते हैं वन फोर टेबल स्पून बस इतने से मसाले डलेंगे टेम्प्रेरी अचार है फटाफट डलता है और बहुत ही टेस्टी है लगता है ये देखिए अभी जब मैं इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ना इसमें तो मैं आपको बता नहीं सकती कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है और मुँह में पानी आ जा रहा है हरी मिर्ची और ये सब देख कर इस अचार में आप चाहें तो अदरक के लच्छे काट करके भी डाल सकते हैं पर मेरे बच्चों को पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला बस आप सूखा हुआ साफ़ सुथरा सा ग्लास कंटेनर लीजिए और ये अचार उसमें भर दीजिए इसको कोई धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी एक दो घंटे बाद ही आप इसको खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी है ये आपके भी आ रहा है कि मुँह में पानी तो ये टेम्प्रेरी सा अचार आप घर में बना सकते हैं और बहुत ईजी है बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं है अब ये जो नींबू का रस हमने निकाल के रखा था वो इसमें हम डाल देंगे क्योंकि ये बगैर तेल का अचार है इसमें तेल नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए चाहिए तो नींबू का रस इसमें हम डालेंगे ये देखिए फ्रेंड्स हमारा अचार बन चुका है और बहुत ही टेस्टी है बहुत डिलीशियस है आपको मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आप एक के बजाय चार रोटी जरूर खाएंगे अगर आपने ये अचार डाला है तो बेहद टेस्टी लगता है और टेम्प्रेरी फटाफट फड़ डलता है बिना तेल का अचार है बहुत कम इंग्रेडिएंट हैं अब बॉटल की कैप लगा करके एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारे जो है ना नींबू का रस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना ये और इन दिनों नींबू और मिर्ची बहुत सस्ती भी हो जाती है बारिश के मौसम में तो इसलिए आप इस अचार को फटाफट से बना के डाल सकते हैं हाँ अगर आप ज़्यादा दिन इस अचार को चलाना चाहते हैं तो इसमें दो चम्मच वाइट विनेगर डाल दीजिए जो हमारी किचन में चाइनीज़ वगैरह रेसिपी में काम में लेते हैं ना बस वही वाला तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा ये अचार बाकी बा, आप और थोड़ा भी ज़्यादा ऐसे बिना विनेगर के भी चाहते हैं तो आप इसको यूज़ में लीजिए फ्रिज में रख दीजिए तो सात आठ दिन चल जाएगा वैसे ये चार पाँच दिन तक ही अचार चलता है उसके बाद आप फिर से नया डाल लीजिए इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालिए थोड़ा थोड़ा डालिए लग रहा है ना बहुत टेस्टी है चार तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिए फिर मिलूँगी बाय बाय